तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज है संडे और आज भी चार टीमें मुकाबला खेलने वाली है, यानी आज भी दो मुकाबले है। तो एक मुकाबला है शाम को 3:30 बजे, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी टीम है और बहुत ही शानदार मुकाबला है। और शाम को 7:30 बजे वो एक मुकाबला होने वाला, वो भी कमाल का मुकाबला होने वाला है गाइस। तो जब शाम के 3:30 बजे मुकाबला होने वाला है, वो है एक तरह राजस्थान रॉयल्स, जो काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी बेहतर लय में है, अच्छे अंदाज में अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, काफ़ी ये भी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही औसम टीम है। और काफ़ी आज का जो मुकाबला है काफ़ी रोमांचक होने वाला है गाइस, क्योंकि राजस्थान में है संजू सैमसन, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन हो गए, जोस बटलर हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, अच्छे लय में, अच्छे अंदाज में है। और इनका बैटिंग इतना तेज़ हो चुका है, इतना फॉर्म अच्छा हो चुका है कि गाइस मैं क्या ही बताऊं। पिछले मुकाबले में उन्होंने कलकत्ता के खिलाफ 98 रनों की पारी खेली थी और काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिल रहा था। मात्र 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर हो गए, संजू सैमसन हो गए, ऊपर से रविचंद्र अश्विन हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, रवि जी चहर हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी मतलब उसमें हैं। तो वही दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो कि काफ़ी अभी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फॉर्म है, अच्छा लय है, अच्छा अंदाज है और बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। फैफ डु प्लेसी हो गए, मैक्सवेल हो गए, विराट कोहली हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। तो आज शाम को जो 3:30 बजे मुकाबला होने वाला है, काफ़ी औसम मुकाबला होने वाला है, काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है। और ऐसा ऐसा मुकाबला बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी है, अच्छा फॉर्म में, अच्छा लय है, अच्छा अंदाज है। पिछले मुकाबले में राजस्थान ने कोलकाता को हरा करके अपनी जीत हासिल की थी, वहीं बेंगलुरु भी कोई इससे कम नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, गेंदबाज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो दोनों ही टीमें अच्छी है और टीमें अच्छी होने के कारण खिलाड़ी भी दोनों में अच्छे हैं। तो आज का जो मुकाबला है काफ़ी रोमांचक देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होने वाली है आज। और आज का जो मुकाबला है ना, ऐसा ऐसा मुकाबला बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो आप लोग ये मैच नहीं देखोगे तो यार क्या देखोगे, देखोगे आप लोग। और शाम को 3:30 से 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है, एक तरफ है चेन्नई, जो कि सबके पसंदीदा टीम है और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं उसमें, बहुत ही अच्छी टीम है, MS धोनी है, काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। तो वही दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छी टीम है। नीतीश राणा काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उसमें, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो जब शाम को 3:30 बजे मुकाबला होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और वहाँ आप लोगों को सारा लाइव प्रूफ बताता हूँ कि कौन से खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे टीम बनाने के लिए, ताकि हम एक अच्छी टीम बना सके और जीत सके। वैसे तो देखिए गाइस, दोनों ही टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज है और टीमें भी लाजवाब है दोनों। तो आज का जो मुकाबला होने वाला है काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है, काफ़ी औसम मुकाबला होने वाला है और खिलाड़ी भी दोनों में खास है। तो चलिए टीम बनाने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे गेंदबाज को चुनते हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो चुका है। तो चलिए गाइस, चलते हैं टीम बनाने के लिए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अच्छे अच्छे गेंदबाज को चुनते हैं। वैसे तो गाइस, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है और खिलाड़ी भी दोनों में खास खास हैं। चलिए देखते हैं, ये देखिए राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो कि शाम को 3:30 बजे मुकाबला होने वाला है और काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है गाइस, बहुत ही औसम मुकाबला है। ऐसा ऐसा मुकाबला बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो खिलाड़ी भी दोनों में खास है और टीमें भी दोनों खास है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले राजस्थान में देखिए गाइस, सबसे पहले आते हैं संजू सैमसन, जो कि राजस्थान के कैप्टन और बहुत ही औसम खिलाड़ी हैं, ये बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं, ये जब खेलने आते हैं तो छक्कों की बरसात कर देते हैं, ऐसा खिलाड़ी है ये और मेरा मन पसंदीदा खिलाड़ी है ये, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी है, बहुत ही सुपर खिलाड़ी है ये और इनका बैटिंग का कोई जवाब नहीं है गाइस, और काफ़ी लाजवाब खिलाड़ी है, बहुत ही औसम खिलाड़ी है ये। उसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल, ये तो खिलाड़ी बहुत ही बेस्ट है गाइस, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ही बेस्ट है और पिछले मुकाबलों में कोलकाता के खिलाफ छक्कों और चौके की बरसात करके मात्र तेरह बॉल पे इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था, ऐसा खिलाड़ी है ये। और ये खिलाड़ी इतना फॉर्म में अभी तक चल रहा है ना कि गाइस मैं क्या ही बताऊँगा, आप लोग तो देखे ही होंगे मुकाबला, बहुत ही लाजवाब मुकाबला लग रहा था और मात्र 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था, छक्कों की और चौकों की बरसात कर दी थी उन्होंने। तो गाइस, टीम बनाते हो अगर तो इनको गाइस जरूर चुनिएगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी है
अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे लय में चल रहे हैं, अच्छे अंदाज में चल रहे हैं, और इनका जो बैटिंग है बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही औसम है। और पिछले मुकाबले में गाइस मैं क्या बताऊँ, ये मात्र 13 बॉल में अपना 8 दशक पूरा किया था। और अभी इनके और फाफ डु प्लेसी की दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, कभी ये जा रहे हैं ऊपर, कभी ये जा रहे हैं ऊपर। और ऑरेंज कप में ये दोनों ही खिलाड़ी में अभी लड़ाई चल रही है, शायद ये हो जाए या तो फाफ डु प्लेसी हो जाए या कोई और हो जाए, लेकिन अभी इन दोनों में जो है चल रहा है, लड़ाई चल रही है। अब देखिए ऑरेंज कप किसको मिलता है, लेकिन अभी दोनों में लड़ाई चल रही है। उसके बाद आते हैं जोस बटलर, जो कि काफ़ी औसम खिलाड़ी हैं, ये बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, और ये भी मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। अगर आप लोग टीम बना रहे हो तो इनको गाइस से ज़रूर चुनिएगा, क्योंकि गाइस ऐसा ऐसा खिलाड़ी है ना कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ, और बहुत ही बेस्ट बेस्ट खिलाड़ी है। मैंने तो गाइस चुन लिया है, यशस्वी जायसवाल को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो उनको तो मैं बनाए करके ही रहूँगा। और काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, और जैसे जोस बटलर भी बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छा बैटिंग इनका, बैटिंग का जो राज है बहुत ही अच्छा है इनका, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, लाजवाब की बैटिंग करते हैं, और काफ़ी औसम खिलाड़ी है, बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी है। पिछले मुकाबले में उन्होंने तो थोड़ा अच्छा खासा रन नहीं बना पाए थे, लेकिन बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी है, बहुत ही औसम खिलाड़ी है। अगर खेलने लग जाए मन से तो अच्छे अच्छे बॉलर के पसीने छुड़ा सकते हैं, ऐसा खिलाड़ी है ये, लेकिन बहुत ही तगड़े खिलाड़ी है। ओके, इसके बाद रूट हो गए, बहुत ही खिलाड़ी ये भी तगड़े वाले हैं, बहुत ही बैटिंग इनकी तगड़ी है, बहुत ही औसम खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तगड़े वाले खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा फॉर्म है, और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये भी। और राजस्थान में गाइस इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी पड़े हैं ना कि गाइस मैं क्या बताऊँ, अभी तक ले 4 नंबर पर अपनी जगह बना करके रखे हुए हैं। 3 नंबर पर जगह था पिछले मुकाबले जीतने के बाद, लेकिन मुंबई ने जीत हासिल किया। किसके खिलाफ जीत खेले थे याद नहीं मुझे आ रहा था, हाँ गुजरात के खिलाफ उन्होंने मैच जीता, तो उसके बाद आ गए 3 नंबर पे वो, और राजस्थान अभी 4 नंबर पे चल रहा है। उसके बाद ध्रुव हो गए, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी है, बहुत ही औसम खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा खासा खिलाड़ी है, बहुत ही तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है, बैटिंग में बहुत अच्छी है, तगड़ा परफॉर्मेंस इनका भी है। उसके बाद सिमरन हेटमायर हो गए, ये भी बहुत तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, टीम बनाना हो तो इसे भी चुनिए, ये इस खिलाड़ी को भी चुनिए, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है, बहुत ही अच्छा अच्छा बैटिंग करते हैं, तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है। उसके बाद रविचंद्र अश्विन हो गए, जो कि बॉलिंग और बैटिंग का इनका कोई जवाब नहीं है, और ये ऑलराउंडर है, बहुत ही तगड़े खिलाड़ी है, बहुत ही औसम खिलाड़ी है, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी है, तगड़े वाला परफॉर्मेंस इनका भी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और इनका ये बैटिंग का कोई जवाब नहीं है, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छे कराते हैं, और काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये भी बहुत मेरा मन पसंदीदा खिलाड़ी है, ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी है, और गेंदबाज बहुत ही तगड़ा है ये, अगर गेंदबाजी करने लगे ना तो किसी को टिकने ना दे अपने सामने, और 2-3 विकेट तो आराम से ले लेते हैं, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इनका है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज है, और काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आज वाले मुकाबले में। उसके बाद संदीप शर्मा हो गए, जो कि काफ़ी बेहतरीन गेंदबाज है, ये भी बहुत तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद ये हो गए के एम हो गए और चहल हो गए, ये भी बहुत तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी कराते हैं, और वो बैटिंग के अपने सामने बॉलिंग के सामने टिकने नहीं देते हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है ये, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, काफ़ी तगड़ा अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी है। उसके बाद देवदत्त पट्टिकल हो गए, ये भी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, बहुत ही औसम खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है ये, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इनका भी है। रियान पराग हो गए, जो कि बैटिंग बॉलिंग इनके ये भी ऑलराउंडर है, काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका भी कोई बैटिंग और बॉलिंग का जवाब नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी मतलब राजस्थान में पड़े हैं, और राजस्थान ने अभी अपने दम पे मैच जीत करके 4 नंबर पे अभी अपनी जगह को नंबर पे 4 नंबर पे अभी तक चल रही है, और 4 नंबर पे अपनी जगह बना करके है अभी। उसके बाद ये हो गए जाम्पा हो गए, होल्डर हो गए, जाम्पा हो गए, होल्डर हो गए, होल्डर भी किसी से कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, तगड़े वाले परफॉर्मेंस में चल रहे हैं इस वक्त,
बैटिंग और बॉलिंग ये भी ऑलराउंडर है, दोनों ही इनका लाजवाब है, बहुत ही कमाल का है, और इनका दोनों ही का कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। और देखिएगा गाइस, जितने हैं राजस्थान में जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी हैं। और गाइस टीम अगर बनाना हो तो यशस्वी जायसवाल को आप लोग मत छोड़िएगा, या जोस बटलर को, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो है ना ये बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस में इस वक्त चल रहे हैं। और इनके और डुप्लेसी के बीच में लड़ाई हो रही है, और इंटरेस्ट कम, देखते हैं किसको मिलता है। इन्हीं के दोनों में लड़ाई हो रही है, और काफ़ी तगड़े वाले परफॉर्मेंस में इस वक्त चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं आरसीबी में, तो जो फाफ डुप्लेसी है सबसे पहले, जो कि बेंगलोर के कैप्टन है, और काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं ये। ये जो खिलाड़ी है ना बहुत बेस्ट है, तो टीम बनाने के लिए इनको भी ज़रूर लीजिएगा। मैंने तो चुन लिया है खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी सबसे बेस्ट रहेंगे मेरे हिसाब से, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, अच्छे लय, अच्छे अंदाज में है, काफ़ी अच्छा है। और इनके और फाफ डुप्लेसी हो गई, यशस्वी जायसवाल हो गए, दोनों के बीच में मैंने बता दिया कि ऑरेंज कप के लिए लड़ाई हो रही है अभी। अब देखते हैं ऑरेंज कप किसको मिलता है, अभी तो लड़ाई चल रही है। लेकिन दोनों ही गाइस, दोनों ही की फाफ डुप्लेसी जो है काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, और ये भी टीम बनाने के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेटर खिलाड़ी हैं। उसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक, जो कि इनका भी बैटिंग का कोई जवाब नहीं है, बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे कीपिंग है, और बैटिंग भी बहुत तगड़ी है इनकी, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, ये तो बच्चा बच्चा इनका जानता होगा, और बच्चा बच्चा इनका फैन है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये, काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस इनका भी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है। और आरसीबी टीम में ये भी, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी हैं ये, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली जो है काफ़ी तगड़े वाले खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी है, चौकों की और छक्कों की बरसात कर देते हैं, और बहुत ही चतुराई से बैटिंग करते हैं, और चौके इधर उधर से बहुत ही अच्छा अच्छा चौके चौके और सिक्सर मारते रहते हैं, काफ़ी बेस्ट खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहादुर खिलाड़ी हैं ये। उसके बाद अनुज रावत हो गए, ये भी बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं, बहुत ही तगड़े वाले खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बैटिंग बहुत तगड़ी है इनकी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं ये भी। उसके बाद मैक्सवेल हो गए, ये भी यार बहुत ही गजब का खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, ये भी ऑलराउंडर है, और काफ़ी अच्छा बैटिंग है इनकी, काफ़ी लाजवाब का बैटिंग है, और सिक्सर बहुत ही लंबे लंबे मारते हैं। पिछले मुकाबले में इन्होंने देखा था 30 के 34 बॉलों पे इन्होंने 70 रन के 80 रन की पारी खेली थी, काफ़ी लाजवाब की बैटिंग है इनकी यार, बहुत ही अच्छे अच्छे सिक्सर मारते हैं, काफ़ी लंबे लंबे सिक्सर मारते हैं, बहुत ही लंबे लंबे सिक्सर मारते रहते हैं, और काफ़ी लाजवाब की बैटिंग है, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस इनका है इस वाले मुकाबले में, बहुत अच्छी बैटिंग है इनकी, काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस इनका भी है। मैक्सवेल जो कि काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, और टीम बनाने के लिए भी खिलाड़ी बहुत बेस्ट रहेंगे, मैंने तो चुन लिया है, आप लोग अपना देखिए। उसके बाद ये खिलाड़ी भी ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, ये देख लीजिए हर्षल पटेल हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। विजय कुमार हो गए, ये बहुत अच्छे गेंदबाज है। मोहम्मद सिराज है, जो कि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाजी है इनकी। केदार यादव हो गए, इनका भी बैटिंग और बॉलिंग का कुछ जवाब नहीं है, वो ये भी ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, अच्छी बैटिंग है, अच्छे गेंदबाज है, काफ़ी तगड़ा वाला परफॉर्मेंस इनका भी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। तो वैसे इसमें जो है सब के सब अच्छे खिलाड़ी हैं, और आज का जो मुकाबला होने वाला है काफ़ी बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, एक तरफ है राजस्थान तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और दोनों ही टीमों में आज लड़ाई होने वाली है, देखते हैं किसमें कितना है दम, आज शाम 3:30 बजे कौन मुकाबला जीतता है, कौन क्या होता है, आज तो शाम को ही पता चलेगा। तो गाइस मैंने आप सबको सारा लाइव प्रूफ बता दिया और लाइव प्रूफ दिखा दिया, और गाइस दोनों ही टीमों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने दिमाग से जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग टीम बनाने के लिए चुन सकते हो। और गाइस यशस्वी जायसवाल जो कि राजस्थान में है, जोस बटलर है, और आरसीबी में है विराट कोहली हो गए, और फाफ डुप्लेसी हो गए, इनको गाइस कभी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं ना कि आप लोग जिता सकते हैं इनको, ये लोग आपको जिता सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। और ये यशस्वी जायसवाल जो हो गए ना काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, पिछले मुकाबले में मात्र 13 गेंदों को इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था कलकत्ता के खिलाफ, और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, और 98 रनों की पारी खेली थी, मात्र 2 रन चूक गए थे अपने 100 रन के बीच में,
और काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, जो कि काफ़ी तगड़े वाले परफॉर्मेंस में तो चल रहा है। और दूसरी तरफ है फाफ डु प्लेसी, जो कि काफ़ी वो भी बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। और इनके यशस्वी जायसवाल और फाफ डु प्लेसी के बीच में ऑरेंज कप के लिए लड़ाई चल रही है, देखते हैं कौन ऑरेंज कप ले जाता है। लेकिन गाइस दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है, अच्छा फॉर्म है, अच्छा लय है, अच्छा अंदाज है। और आज को जब 3:30 बजे जो मुकाबला होने वाला है ना, काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ऐसा ऐसा मुकाबला बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। और ये जो मुकाबला है ना, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इस वक्त मुकाबले में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं है, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी है। और इनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा मुकाबला आज देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होने वाली है आज के मुकाबले में। और शाम को 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि उनका कोई जवाब नहीं है, हर कोई उनका फैन है चेन्नई का। और दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि काफ़ी वो भी टीम अच्छी है, उस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। फिलहाल तो मैं इस वाले वीडियो को भी बना करके आप लोगों को तो सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाइस ऐसे ही चैनल पे, इस वाले चैनल पे ऐसे ही आप लोगों को खबर मिलता रहेगा और जानकारी मिलती रहेगी। तो आज जो 3:30 बजे मुकाबला होने वाला है, काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है, बहुत बेहतरीन मुकाबला होने वाला है, काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है। और ये मुकाबला बहुत ही देखने को अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये मुकाबला नहीं, महायुद्ध आज का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों टीमों में, बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होने वाली है आज के मुकाबले में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दो यार, इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी इस वाले चैनल पे, और आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी कि किस खिलाड़ी को चुना क्या करे, सारा चीज़ मैं आप लोगों को लाइव पर बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शाम को 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है चेन्नई और कोलकाता के बीच में, तो वाला भी मैच मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, एक सब्सक्राइब बस, ज़्यादा नहीं, एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका भाई भी खुश रहे और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।